नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम हर रोज़ आप सभी के लिए कुछ तमाम बड़ी और सिलेक्टेड खबरें लेकर आते हैं, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आप सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे हम आज की सीधे पहली बड़ी खबर से। राकेश टिकैत बोले, सरकार की खामोशी किसानों के आंदोलन के खिलाफ कदम उठाए जाने का है संकेत। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। मतलब यह है कि जो राकेश टिकैत हैं उनको अभी भी लगातार सरकार पर शक है और उनका ये कहना है कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें, कृषि स्टार्टअप को बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए विभिन्न पहलों के बारे में बताया है। तो अगर आप भी इन दिनों कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आप सभी बढ़ चढ़ करके आगे फायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो समुंदर में छलांग, बाइसेप्स एप्स के बाद अब राहुल गांधी ने किए हैं पुशअप्स। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कई रंग दुनिया के सामने लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में समुंदर में राहुल गांधी तैरने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। इसके बाद हमने राहुल गांधी अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे थे और आज इनकी पुशअप्स करने की वीडियोस वायरल हुई है, जहां पर ये जनता के सामने जाकर के ऐसा कर रहे थे, जिसे देखने के बाद हर कोई काफी खुश भी हुआ था। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सोना चांदी को लेकर के सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि फरवरी में करीब 3000 रुपए तक सस्ता हो चुके सोने के दाम में गिरावट मार्च में जारी है। जी हां, चांदी भी 1 मार्च को कमजोरी के साथ बंद हुई है। पिछले महीने चांदी 1105 रुपए कमजोर हुई थी। आज 1 मार्च को एक बार फिर से सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 459 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 46111 रुपए पर खुला है और 45976 रुपए पर बंद हुआ। तो सोने चांदी में लगातार गिरावट जारी है और आने वाले दिनों में आप सभी के पास एक बेहतर मौका हो सकता है सोना चांदी खरीदने का। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें, क्या आप पीड़िता से शादी करेंगे? बलात्कार के आरोपी सरकारी कर्मचारी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना पर सरकारी कर्मचारी से आज ये पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करने को तैयार है। आरोपी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, ये कहा था कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी सरकारी नौकरी जा सकती है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है उसके साथ आरोपी को शादी भी करना होगा। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की पड़ताल के लिए केंद्र को दिया है समय। जी हां, आपको बता दें कि फाइनली केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 15 मई से प्रभावी होने जा रही व्हाट्सएप की नई निजता नीति को उच्चतम स्तर 15 मई से प्रभावी होने जा रही व्हाट्सएप की नई निजता नीति की उच्चतम स्तर पर पड़ताल की जा रही है और सरकार इस मुद्दे पर उससे कुछ स्पष्टीकरण मांग रही है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने इस दलील पर संज्ञान लेते हुए इस कार्य के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का वक्त भी दिया है और विषय की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल निर्धारित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से व्हाट्सएप नई पॉलिसी लेकर के आ रहा है उससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और 15 मई के बाद आप सभी का व्हाट्सएप बंद भी हो सकता है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जनता को लगा है बड़ा झटका, 25 रुपए और महंगा हो गया गैस सिलेंडर। जी हां, आप देख रहे हैं कि कैसे गैस सिलेंडर के प्राइस आए दिन महंगा हो रहा है। देश में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को 25 रुपए का इजाफा हुआ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार 1 मार्च 2021 से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 819 रुपए पहुंच चुकी है। तो आप सभी को अब 25 रुपए और अतिरिक्त गैस सिलेंडर को पाने के लिए देना होगा। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें, CSIR ने डीजी ने किया
है आगाह, कोरोना की तीसरी लहर हो सकती है और भी ज़्यादा खतरनाक। अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना वायरस कितना तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए हम सभी को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, और हम सभी को पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी इस देश से गया नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स में लगवाई है कोरोना वायरस की वैक्सीन, कहा आओ साथ मिल करके भारत को कोरोना वायरस से मुक्त करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह ने और साथ ही वेंकैया नायडू ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन आज ही लगवा ली। तो कुल मिलाकर के अब लोगों को इस वैक्सीन पर पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा लिया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कृषि कानून पर किसान नेता का दावा, सरकार ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि दोनों की इज्जत रह जाए। जी हाँ, पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाला ने दावा किया है कि मीटिंग के दौरान सरकार ने कहा था कि कुछ ऐसा करो जिससे दोनों की इज्जत बची रह जाए। तो आप देख रहे हैं कि किसानों वाला मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने जारी किया है जमानती वारंट। एक्ट्रेस कंगना रनौत की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में जमानती वारंट जारी किया है। कंगना के खिलाफ यह वारंट अदालत में पेश नहीं होने के लिए जारी किया गया है। कोर्ट ने कंगना को पेश होने का मौका दिया था, मगर एक्ट्रेस वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद आने वाले दिनों में निश्चित ही कंगना रनौत की परेशानी बढ़ेगी और हो सकता है कि इनको जेल भी जाना पड़े। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर भी हुए हैं बाहर। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को वनडे और T20 फॉर्मेट में भी मेहमान टीम से लोहा लेना है। भारतीय चयनकर्ताओं ने T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि भारत के 3 बड़े खिलाड़ी वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उप कप्तान रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को वनडे सीरीज के लिए आराम दे दिया गया है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। SBI समेत सभी बैंकों का बड़ा धमाका, लाइन में लगने की झंझट हो चुकी है खत्म। दोस्तों, डिजिटल दौर में बैंक से पैसा निकालने में लोग बैंक जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि शाखा पर लाइनों में लगने से सभी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब SBI सहित देश के सभी बैंक अपने ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए अलग से सुविधाएं दे रहे हैं। बैंक आपको डोर स्टेप बैंकिंग के लिए बैंकों ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ आसानी से ले सकते हैं। हालांकि ये नंबर अभी पूरी तरह से जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम आपको अभी बता नहीं पा रहे हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो यूपी में खुले 1 से लेकर 7वीं तक के विद्यालय, कहीं गुब्बारे तो कहीं पुष्प वर्षा करके बच्चों का किया गया स्वागत। जी हाँ, आपको बता दें कि फाइनली उत्तर प्रदेश में स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया, जिसको लेकर के स्कूल के टीचर्स में और साथ ही स्टूडेंट में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिली। इससे पता चल रहा है कि बच्चों का भी पढ़ने का मन है और टीचर्स का पढ़ाने का। अब हमारे देश में पढ़ाई एक बार फिर से चालू हो चुकी है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।